हे गाइस, मैं हूं शीतल और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, मेरे पास ये सैमसंग का लेटेस्ट M30s फ़ोन है और मुझे बहुत लोगों ने पूछा था इस पर फुल डेप्थ रिव्यू बनाने के लिए, तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे पास ये फ़ोन लास्ट 1 वीक से था और मैं इसे लास्ट 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसमें मेरा फिंगरप्रिंट सेट कर दिया है और ये उतना फास्ट अनलॉक नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट 1 सेकेंड का डीले है। और इसमें फेस अनलॉक भी है और मुझे फिंगरप्रिंट स्कैनर से भी इसका फेस अनलॉक ही थोड़ा बेटर लगा। और यहाँ पर आप इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देख सकते हैं। तो इस फ़ोन में 6.4 इंच का सुपर एमोलेड फुल HD+ स्क्रीन है और ऊपर आप इसका इन्फिनिटी यू नॉच भी देख सकते हैं। मुझे इसका डिस्प्ले क्वालिटी बहुत पसंद आया। इसमें सुपर एमोलेड फुल HD+ स्क्रीन है, ब्राइट और सब कुछ क्लियर दिख रहा है। मैं आपको बाद में इसका डिस्प्ले क्वालिटी बताने के लिए कुछ वीडियो प्ले करके भी बताऊंगी। और इसका यूज़र इंटरफेस भी स्मूथ ही लग रहा था। आप देख सकते हैं, इसका UI तो सेम दूसरे सैमसंग फ़ोन्स की तरह ही है और इसमें एक्सीनोस 9611 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। चलिए, अब मैं आपको एक बार सेटिंग्स में सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में भी बता दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सैमसंग 1 UI पर चलता है और इसमें एंड्रॉयड 9 Pie वर्जन है और इसका सिक्योरिटी पैच है August 1, 2019। चलिए, डिवाइस केयर में अब आपको स्टोरेज भी बता दूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 101 GB फ्री स्पेस अवेलेबल है और 26 GB यूज्ड है। मैंने ऑलरेडी इसमें कई सारे ऐप्स इंस्टॉल कर दिए हैं, जैसे गेम्स, PUBG, ऐसे कई सारे ऐप्स इंस्टॉल कर दिया है और उसके बाद 101 GB स्पेस अवेलेबल है। ये 128 GB वेरिएंट है, लेकिन आप उसे 512 GB तक एक्सपेंड भी कर ले सकते हैं माइक्रो SD कार्ड डालकर। और इस फ़ोन पर Onto बेंचमार्क का स्कोर 151,244 का आया है और ये स्कोर मुझे ठीक ही लगा। चलिए, अब मैं आपको इसका डिस्प्ले क्वालिटी भी बता दूंगी, उसके लिए मेरा ही कुछ वीडियो प्ले करके बताऊंगी। शीतल और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही मजेदार, तो इस फोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और मुझे इसका डिस्प्ले बढ़िया लगा। डिस्प्ले ब्राइट और शार्प है और कलर्स भी बढ़िया दिख रहे हैं। और यहाँ पर आप इसका ऑडियो क्वालिटी भी सुन सकते हैं। इसमें सिंगल डाउन फायरिंग स्पीकर है और ऑडियो क्वालिटी भी ठीक है, क्रिस्प और क्लियर है, लेकिन आउटपुट थोड़ा कम लगा। चलिए, अब मैं इस फोन पर कुछ गेम खेल कर इसका गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है भी आपको बता दूंगी। तो इस फ़ोन में एक्सीनोस 9611 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, क्लॉक्ड एट 2.3 GHz। और यहाँ पर मैं असफाल्ट 9 गेम खेल रही हूँ और मैंने इसमें ग्राफिक्स मैक्स सेटिंग्स पर रख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, गेम बहुत ही स्मूथ चल रहा है, मुझे तो कोई लैग नहीं दिख रहा। और ऐसे गेम्स तो हम आसानी से खेल सकते हैं, कोई लैग तो नहीं है और फ्रेम रेट भी स्मूथ है। तो चलिए, अब मैं इस फ़ोन पर PUBG खेलकर भी आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, एक्चुअली मैं इसे मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर खेल रही हूँ क्योंकि मैक्स ग्राफिक्स में ये उतना स्मूथ नहीं चल रहा था, बहुत लैग और डीले था और मैं खेल नहीं पाई, इसलिए मैंने इसे मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर रखा और अब थोड़ा बेटर, अच्छा स्मूथ चल रहा है। तो यहाँ पर आप भी देख सकते हैं, एसफाल्ट 9 जैसे गेम्स तो स्मूथ चल रहे हैं, लेकिन PUBG जैसे ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स को मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर रखने पर ही ये स्मूथ चल रहा है, मैक्स सेटिंग्स पर उतना स्मूथ नहीं था। अब मैं आपको इसके कैमरा क्वालिटी के बारे में बताऊंगी। इस फ़ोन में 48 MP f/2.0 का मेन कैमरा है और 8 MP f/2.2 का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 5 MP f/2.2 का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है। मुझे इसमें कैमरा क्वालिटी ठीक ही लगा, कलर्स ब्राइट और पंची है और डायनेमिक रेंज भी अच्छा ही है, स्काई में हम डिटेल भी देख सकते हैं और वाइट बैलेंस भी करेक्ट ही लगा, तो ओवरऑल कैमरा क्वालिटी तो ठीक है। ये वाला फ़ोटो मैं 12 MP में शूट करी और इधर मैं इस फ़ोटो को 800% जूम करके आपको बता रही हूँ, आप डिटेल देख सकते हैं पिक्चर में। और ये इसका 48 MP का फ़ोटो है, इसे भी मैं सेम 800% जूम करके आपको बता रही हूँ। चलिए, एक बार इन दोनों पिक्चर्स को कंपेयर करके भी आपको बता दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, 12 MP और 48 MP में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं पिक्चर में, डिटेल में। मैंने थोड़े सैम्पल्स लिए हैं, यहाँ पर आप एक बार इन सैम्पल्स को चेक कर लीजिए। और ये वाला फ्रंट कैमरा सैम्पल्स है, इसमें 16 MP का फ्रंट कैमरा है।
तो दोस्तों अब मैं आपको एक वीडियो सैंपल भी शूट करके बता दूंगी। ये फ़ोन 4K सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर मैं फुल HD में शूट कर रही हूँ क्योंकि 4K में ये सुपर स्टडी मोड सपोर्ट नहीं करता। और मैं यहाँ पर पैन कर रही हूँ वीडियो में, और आप देख सकते हैं वीडियो भी बहुत स्टेबल शूट हो रहा है। और मैं जो बात कर रही हूँ ना, ये भी फ़ोन के इंटरनल माइक्रोफोन में ही रिकॉर्ड हो रहा है, तो यहाँ पर आपको इसका माइक क्वालिटी भी पता चल जाएगा। मैं आपको इसके बैटरी लाइफ के बारे में बताऊंगी। इसमें मॉन्स्टर 6000 मिली एम्पियर आर का बैटरी है। और एक बात जो मुझे अच्छा लगा है कि इसमें इतना बड़ा बैटरी होने के बावजूद ये उतना हेवी नहीं है, और इसमें बैटरी लाइफ भी बढ़िया है। इस पर मैं फुल गेम्स खेलने के बाद, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे ऐप्स यूज़ करके, यूट्यूब पर वीडियोज़ देखने के बाद भी मुझे 3 to 4 hours तक का स्क्रीन ऑन टाइम आया। और अगर आप इसे सिर्फ फेसबुक जैसे ऐप्स देखने के लिए यूज़ करके या फिर यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखेंगे तो ये इजीली 7 to 8 hours तक स्क्रीन ऑन टाइम देगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक तरफ सैमसंग M30S फ़ोन है और दूसरी तरफ Realme 3 Pro फ़ोन है, और मैं इन दोनों फ़ोन्स पर भी परफॉर्मेंस टेस्ट करी। चलिए आपको इसका बेंचमार्क स्कोर्स बता दूंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों इस ऑलमोस्ट सेम स्कोर्स है, 1,51,000 और ये वाला 1,56,000। और ये स्कोर्स देख के मुझे लगा कि ये एक्सिनोस 9611 प्रोसेसर का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट स्नैपड्रैगन 710 के उतना ही होगा। अब मैं आपको इसका पुराना वर्जन M30 फ़ोन से भी एक बार इसे कंपेयर करके बताऊंगी। तो मेरे पास M30S है और M30 फ़ोन्स है, और फ्रंट से देखने पर तो ये दो फ़ोन्स आइडेंटिकल है, हम बोल भी नहीं सकते कि कौन सा फ़ोन है। और इसका डिज़ाइन भी देखने में बहुत ही सेम है, लेकिन M30S में M30 से कंपेयर करने पर थोड़ा बेटर प्रोसेसर है, और 6000 मिली एम्पियर आर का बैटरी है, और कैमरा में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। तो M30 से कंपेयर करने पर M30S में मुझे थोड़े बेटर स्पेक्स लगे। बैक साइड देखने पर तो हम डिफरेंस देख सकते हैं कैमरा सेटअप और कलर में, बाकी सब तो सेम है फिनिश और सब कुछ। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू इस सैमसंग M30S फ़ोन का, और इसके पुराने वर्जन M30 से कंपेयर करने पर इसके स्पेक्स में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है, और इस फ़ोन के प्राइस के हिसाब से मुझे इसका परफॉर्मेंस और स्पेक्स सब कुछ ठीक ही लगा। तो बस इतना ही था दोस्तों आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आ सके। मैं आपको मेरे अगले वीडियो में मिलूँगी। बाय।